जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी। दोस्तों आज का वीडियो स्पेशली मैं बना रहा हूँ कि आपको ज्वाइनिंग के समय या ट्रेनिंग के समय क्या क्या आवश्यक सामग्री जो घर से लेके जानी है आपकी, यानी घर से आपको जो जो सामग्री लेके जानी है वो क्या क्या सामग्री है, और वो लेके जाना आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि फिर बाद में आपको वहाँ पर प्रॉब्लम होगी उन चीज़ों को खरीदने में। तो ज्वाइनिंग से लेके आपके ट्रेनिंग के तक जो विशेष आपको जो सामान घर से लेके जाना है वो क्या क्या है, तो इस पर पूरा का पूरा वीडियो होने वाला। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए, कुछ इन्फॉर्मेटिव आपको इसमें मैं बातें बताऊँगा जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी ज्वाइनिंग के समय भी और ट्रेनिंग के समय भी। आप इनको ट्रेनिंग टिप्स बोल सकते हो कि ट्रेनिंग का मंत्रा बोल सकते हो कि किस प्रकार ट्रेनिंग करें, इस प्रकार की कुछ मैं इस वीडियो में आपको टिप्स भी बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अब शुरुआत करते हैं कि ज्वाइनिंग के समय जो नॉर्मल जो चीज़ें हैं वो मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ, डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको सारी डिटेल दे चुका हूँ कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लेके जाना है, ये तो पूरी डिटेल आपके पास में, शायद मेरे कोई भी वीडियो देखोगे मैंने बहुत अच्छे से बता दी है, आप जाके देख भी सकते हो। तो डॉक्यूमेंट्स के अलावा और क्या क्या लेके जाना है, तो मैंने बताया था पैसे का कि आप शुरुआत में 8 से 10 हज़ार रुपये अपने साथ में पैसे ज़रूर लेके जाना दोस्तों, कोई इसके लिए परेशान नहीं होना। 8-10 हज़ार रुपये अगर किसी के पास में अरेंज नहीं हो रहा है तो इधर उधर से अरेंज कर लेना, 4-5 हज़ार रुपये लेके जाना। अगर किसी के पास में नहीं हो रहा तो वहाँ पर आपके बहुत दोस्त मिलेंगे, कोई ना कोई मदद कर देगा, फिर भी कोई ना करे तो मेरे को कॉल कर लेना, मैं मदद कर दूँगा, ठीक है। तो उसके बाद में 4 से 5 हज़ार रुपये आपको लेके जाने, 10 हज़ार रुपये लेके जाना जो लेके जा सकता है, 10 हज़ार रुपये कम से कम लेके जाना। उसके बाद में आपके मैंने बोला कि जो एक ड्रेस जैसे लोअर टी शर्ट या हाफ, जो लोअर हाफ होता है चड्डा जिसको बोलते हैं, हनुमान चड्डा या केपरी जिसको बोलते हैं, तो वो ज़रूर लेके जाना, ठीक है। टी शर्ट लोअर पक्का लेके जाना, सिविल शूज लेके जाना, एक दो ड्रेस वीआईपी वाली लेके जाना, बिल्कुल मस्त लगो हीरो की तरह, तो उसके लिए ज़रूर लेके जाना। इसके बाद में शेविंग किट ज़रूर लेके जाना, नहीं तो फिर बाद में घूमते रहोगे, शेविंग के लिए बहुत परेशानी होगी, और घर पे भी एक दो बार शेविंग करके देख लेना ताकि वहाँ समस्या ना हो। जो जिलेट की अच्छी ब्लेड आती है, जो नए नए शेविंग करने वाले अपने हाथ से, तो जिलेट की ब्लेड ले और फोम लगा के शेविंग करें ताकि अच्छी शेविंग होगी उनकी, ठीक है। उसके अलावा आप मुंह धो के सरसों का ऑयल लगा के भी कर सकते हो, अगर सिंपल ब्लेड से करते हो तो उससे भी अच्छी शेविंग होगी। तो अच्छी एक दो बार घर पर ज़रूर शेविंग बना के देख लेना ताकि वहाँ पर परेशानी आपको ना हो, क्योंकि वहाँ पर आपको हर रोज़ शेविंग करनी है, तो शेविंग किट ज़रूर लेना। शेविंग किट में जैसे कैंची हो गई, ब्लेड रेजर हो गया, ऑयल हो गया, हेयर कंघा काज देखने के लिए वर्दी पहन के फिर देखोगे तो टोपी वोपी लगा के, तो ये चीज़ें आपको लेनी है, ये आवश्यक है आप ज्वाइनिंग के समय जाओगे। इसके बाद में जो लाइट बेडिंग में बता चुका हूँ, एक दरी कंबल कुछ ले लेना, एक टिफ़िन या कुछ बॉक्स ले लेना, क्योंकि आपको प्लेट वलेट मिलने में उधर 4 से 5 दिन या 3 या 2 दिन लग जाता है, तो इसलिए वो ज़रूर ले लेना ताकि आपको आसानी रहे खाना वाना खाने में, 1-2 दिन तक जहाँ टाइम लगे। तो छोटा बॉक्स, एक छोटा सा बॉक्स जरूर लेना, गिलास ले लेना एक छोटा सा, चाय पीने वाले जो चाय वाय पीते हैं फिर, तो वो अभी से बता रहा हूँ ये आवश्यक सामग्री है, ज़रूर ले लेना, क्योंकि मुझे पता है जो चाय पीने वाला उसे चाय पिए बिना नहीं रहा जाएगा। तो 2 टाइम आपको चाय मिलती है, सुबह और 3 बजे, और फिर नाश्ते में दूध भी मिलता है, तो उसके लिए भी वो सफिशेंट रहेगा। तो ये चीज़ें आपको घर से लेनी है। इसके अलावा लड्डू खाने वाले लड्डू पक्का ले लेना, घी खाने वाले घी पक्का ले लेना, ठीक है, घी खाने वाले घी ले लेना, लड्डू खाने वाले लड्डू ले लेना, यूपी बॉर्डर वाले ये हरियाणा बॉर्डर वाले जो मीठा बना के लाते हैं वो ज़रूर लेके जाना, खुद भी खाना अपने दोस्तों को भी खिलाना, वहाँ जब आपके नए नए दोस्त बनेंगे तो उनको भी खिलाना, ठीक है, क्योंकि वो उम्मीद कर रखें कि यूपी हरियाणा राजस्थान वाले ये घी लड्डू फड्डू लेके आते हैं, तो ज़रूर लेके जाना, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना। इसके अलावा बात करते हैं ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग के लिए जो आवश्यक सामग्री है उसमें से 2 सपोर्टर, रनिंग के लिए 2 सपोर्टर ज़रूर लेना। कुछ लोग लंगोट भी बांधते हैं मुझे लगता है, तो लंगोट वाले लंगोट लेना, नहीं तो सपोर्टर ज़रूर लेना। और सपोर्टर के अलावा जो आपका जो सिविल लोअर है वो, वैसे उसका ज़रूरत कम ही पड़ेगी सिविल लोअर की, क्योंकि कभी कभार सिविल लोअर यानी संडे के दिन आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा जो बोल मेरे से बात करते हैं कि संडे को सर आउट पास होता है, ट्रेनिंग का क्या शेड्यूल होता है, संडे को आउट पास होता है आपका, संडे को आपको बाहर दिया जाना चाहता है, उसके लिए तो मैं बोल रहा हूँ ना सिविल ड्रेस पक्का लेना, आपको संडे को आउट घूमने को भी मिल जाएगा, या आपका परिवार का भी कोई जन अगर आपसे आके मिलना चाहे तो संडे वनडे को आपसे मिल सकता है, क्योंकि संडे को आपकी ट्रेनिंग बिल्कुल ऑफ रहती है, संडे को बस नॉर्मल सुबह सुबह मार्का लगता है और नॉर्मल सा छोटा मोटा जो काम होता है वही होता है, उसके अलावा साफ़ सफाई होके फिर आप पूरे दिन फ्री रहते हो संडे को। मोबाइल भी यूज़ कर सकते हो साथ में, बहुत सारे लोग बोल एंड्रॉयड मोबाइल लेना अच्छा सा शानदार सा, ताकि आपको परेशानी ना हो, घर वालों को वीडियो कॉल कर लो, बाबू सोना को भी वीडियो कॉल कर लो आसानी से, तो इसलिए एंड्रॉयड फ़ोन ले लेना अच्छे से। तो ये चीज़ें तो आपको लेनी लेनी है, ठीक है। इसके लिए आप आवश्यक जो चीज़ें हैं वो, एक सपोर्टर, 2 सपोर्टर पक्के लेना,
ट्रेनिंग में। खाने पीने की अच्छी सामग्री लेना, अगर घर से खाने पीने की सामग्री अच्छी लेते हो तो ज़रूर अच्छी सामग्री लेनी। कैल्शियम से संबंधित मैंने बताया कि दूध दूध वहाँ पर डेली पीना, दूध हो गया डेली पीना। आप ये मत सोचना कि मेरे सिनपोन में दर्द नहीं हो रहा था मैं क्यों दूध पीऊँ, दूध डेली पीना, उधर अपना पर्सनल खरीद के भी पीना, और जिन चीज़ों में कैल्शियम ज़्यादा है वो ज़्यादा से ज़्यादा खाना, क्योंकि हो नहीं रहा होना शुरू हो जाएगा। ट्रेनिंग में मैंने बार बार बोल दिया कि 3 महीने काफ़ी हार्ड रहते हैं, तो इसके लिए वो हो गए। बाकी अंदर की जो बनियान हो गई वाइट, ये ज़रूर ले लेना, ठीक है। टी शर्ट वी आपको वहाँ पर कुछ मिल ही जाएगी, और जो आपका बैग है एक अच्छा सा बैग लेके जाना, ताकि उसमें आपका कोई भी इंपॉर्टेंट सामान है वो ले जाए। इसके अलावा जितने भी पढ़ने वाले हैं वो अपनी बुक्स नोटबुक्स जरूर ले लें, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर में फिर पता नहीं आपको कौन सा ट्रेनिंग सेंटर मिलेगा, वहाँ पर आपको बुक अवेलेबल हो या नहीं हो। बार मान लो साउथ साइड में आ गए तो इधर तो तेलुगु ही तेलुगु है, तो आप यहाँ पर आपकी बुक अवेलेबल नहीं होगी। तो करना क्या कि आपको जो पढ़ने की आपकी जो बुक है, चाहे आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उस एग्ज़ाम की बुक्स ज़रूर ले लेना, ताकि आपको ट्रेनिंग के दौरान जब भी टाइम मिलेगा तो आप अपना पढ़ाई करना चाहता है वो पढ़ाई कर सकता है। और खाने पीने की ये महत्वपूर्ण जो चीज़ें थी वो मैंने बता दी है, ये चीज़ें ज़रूर लेनी है। इसके अलावा बुक्स हो गई, नोटबुक एक नॉर्मल नोटबुक हो गई वो ले लेना, ठीक है। और जितनी भी जो लड़कियां हैं वो भी अपना जो सामान, जैसे मैंने इनमें बताया, तो उनके लिए भी जो इम्पोर्टेंट सामान है, जैसे अच्छे से मतलब जो भी आपके कपड़े हैं वो ले लेना, नॉर्मल जो आपके अंडरगारमेंट्स है अच्छे से वो ले लेना, ताकि प्रॉब्लम ना हो आपको आगे जाके। क्योंकि कई बार ट्रेनिंग सेंटरों में आपको जाते ही आउट पास नहीं देंगे, 1 महीना 2 महीना बैन भी रह सकता है आउट पास। आपको लगता है मैं जाते संडे को बाहर चला जाऊँगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है, थोड़े से दिन बैन भी रह सकता है। तो वो ज़रूर सामान ऐसा ले ले जो भी उनके लिए आवश्यक जो भी सामग्री है, जैसे जो लड़कियों की प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी जो आवश्यक सामग्री है वो सफिशेंट लेके जाए। जरूरी नहीं कि आप जहाँ पर जाओ वहाँ पर अवेलेबल हो नहीं हो फिर आप परेशानी भुगतो, इससे अच्छा है कि एडवांस ही 2-3 मंथ 4 मंथ के एडवांस ही आप लेके चलें, तो इसलिए आपको परेशानी नहीं होगी ट्रेनिंग के दौरान। बाकी जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो काम थे यही है। इसके अलावा आप अपने, मैंने बताया दिया कि पढ़ने लिखने का जो सामान है वो ज़रूर ले लें। सपोर्टर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपको रनिंग डेली होगी तो रनिंग में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अब ट्रेनिंग में आपको ट्रेनिंग टिप्स क्या बोल रहा था, तो ट्रेनिंग टिप्स क्या है याद रखना, ट्रेनिंग में पूरी ट्रेनिंग में कभी भी ज़्यादा चटक नहीं बनना। ज़्यादा चटक का मतलब एक्स्ट्रा नहीं करना, जितना आप कर सकते हो उतना करना एक्स्ट्रा। कई बार क्या होता है, मैंने देखे हैं कुछ लड़कों को, वो इतने ज़्यादा मतलब मोटिवेट हो जाते हैं, फिर बहुत ही मतलब अपने हार्म पहुँचा लेते हैं शरीर को। याद रखना ट्रेनिंग ऐसी ऐसी चीज़ है कि अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, कहीं से टूटा फूटा नहीं, आप कैसे भी करके अपने शरीर को बचा के कोई भी काम करना बचाए करना, आपकी वो टाइमिंग है वो अपने आप आ जाएगी। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि शुरुआत में जैसे मोटिवेट करते हैं उसी समय क्या करते हैं, अपने पैर को चोट या हार्म पहुँचा लेते हैं। तो याद रखना एक चीज़ ये मेरी हमेशा याद रखना कि पूरी ट्रेनिंग में कभी भी अपने शरीर के चोट का पूरा ध्यान रखना, जितना हो सके अपने शरीर को चोट से दूर रखना। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, चाहे रनिंग, चाहे फिजिकल एक्सरसाइज, चाहे कुछ भी कर रहे हो, उसमें अपने शरीर की जो चोट वाली जो चीज़ें कि भाई यहाँ मेरे को चोट लग सकती है, तो वहाँ पर ध्यान से करना, धीरे धीरे अपनी ट्रेनिंग शुरू करनी है दोस्तों। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। वैसे ट्रेनिंग टिप्स पर मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा, तो वो ज़रूर देखना, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेनिंग कैसे करें और क्या क्या ट्रेनिंग में आपको चीज़ें ध्यान रखनी, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।